कोई भगत सी खांदा वाला सी सौंदा भी वाला सी कुदरती गल है जिहड़ा वाला खांदा होवे सौंदा भी ज़्यादा ही हुंदा है। तो वह जाके घर दे भी अक गए भी सारे टब्बर का आटा कला खा जाता है मगरों पै के शुकरी जाता है कम का डका तोड़ता नहीं असी बैठे वेखी जाने भी कुछ करूगा खा के शुकरी जाता। उन्होंने फिर एक दिन वो कहते इधर तू घरों निकल जा वो कहना निकल के भी कितने जाऊँगा आपके मन में सोचता है भी चल कहना जा वड़दे हाँ एक बार जा वड़दे हाँ ना सरिया फिर मुड़िया मैं कि आना तो आपके घर ही है। तो गाह एक दिन जो मुड़ के आया दूजे तीजे दिन ना किसी ने सामभ्या तो मुड़ के फिर आ गया वो कहते तू फिर आ गया कहते मैं तो ता आ गया भी शायद तुम डीकते होवो पछताते होवो भी एवें घरों कड़ता मैं तो मुड़िया वो कहते असी तो खुश से तेरू भेज के कहता फिर मुड़ जाना फिर मुड़ गया। संतां दा डेरा आ गया उत्थे संत बैठे पूरे नरोए तो उन्हें देखा भी संत तो रज के रोटी खाते हो गए भी इन्हां कोले चलदे आ जाके जब निगाह मारी गाह गेट के बिजली चेले उदू भी तकड़े फिर कहते इतने तो भुख का कोई सवाल ही नहीं पैदा होंदा लगता कहते इतने तो रज के खाते हो गए सारे जा बड़िया जाके संतां दे चरण फड़ ले कहिंदा महाराज जी मैनू चेला बना लोगे कहिंदे भाई बना लाँगे कहता चेला तो मैं बन जाऊँ महाराज जी मैं ऐ दस दौ भी इतने खाण पीण का की इंतजाम है। वो कहते खाण पीण का तो भाई इतने जोड़ा इंतजाम है ना रज के खाद सारे तीन टाइम पंगत लगती है जिन्ना मर्जी कोई खावे कहना महाराज जी जे उस तो बिना तीजी पंगत तो फिर लौड़ पै जे कहते फिर लांगरी को कह दौ वो पा के दे दिंदा कहता महाराज जी फिर मैनू तो हुणे बनाओ चेला दुपहर वाली पंगत च बहिंदा कर दौ। तो उन्होंने संतां ने बना के चेला चार संत बुलाए तो दोपहर की पंगत आ गई आथण दी आ गई रज के सौ जा करे पहुँचना जो पाँच सात दिन लंघे दस दिन लंघे तो ग्यारहवें दिन देखदा कहिंदा अज्ज कोई लंगर कन्नी जांदा ही नहीं भंडार कन्नी कोई रसोईया भी नहीं जांदा अज्ज कोई लकड़ा लुकड़ा भी लिया दीदा कोई तवा साफ नहीं करता दीदा कोई आटा नहीं गुंधा दीदा महाराज जी को बग गया कहिंदा महाराज जी अज्ज अपने की हो गया कहिंदा अपने की होना सी कहिंदा फिर अज्ज कोई रोटी राटी लाउंदा ही नहीं लंगर कन्नी कोई जांदा नहीं। वो कहिंदे भाई तैनू दसना भुल गए अज्ज कादशी है अपने कादशी नूं नहीं कुछ बनदा कहिंदा महाराज जी फिर थोड़ी होऊ कादशी मैथों तो नहीं रखी जानी मेरा तो हीला करो कोई। वो कहिंदे भाई तेरा की हीला करिए जदों इत्थे कादशी नूं बनदा ही नहीं कुछ ना असीं खाने ते ना दिंदे आ इहदा कादशी कहिंदे तैनू भी रखनी पऊ कहिंदा महाराज जी फिर थोड़ी मर्जी है मैनू कादशी दा बिशक रखा दिओ पर मैनू फिर द्वादशी तो नहीं आउंदी कहिंदा की गल कहिंदा बस मैं मर जूँ भुख दे तोड़े मैनू पता मैं नहीं भुख कट कर सकदा। वो संत कहिंदे भाई फिर इत्थे तां कट्टणा ही पऊ कहिंदा बस फिर मेरे खातर तां टोआटा पटा लो तड़के समाधी देण वास्ते ते मैं तां नहीं बचदा फिर तड़के नूं। तो संतां ने देखिया भी कहिंदे सच्ची ना इहो जी गल हो जाए वो कहिंदे चंगा एक कम होर हैगा जे तू कर सकदा दसो महाराज कहिंदे जे तू आपदी आपे बना के खा सकदा तैनूं समान दे दिंदे आ तू डेरे तो बाहर जाके बना ली कहिंदा महाराज जी मरदा की नहीं करदा तुसीं मैनूं दबाओ रसण मैं बिंगी टेढ़ी जिहो जी बणूं बना के खा लूँ आपदी सवेरे कादशी मुक जू अपनी। संत कहते ठीक है दस कहते कि समान दबा दिए कहना महाराज जी ढाई किलो आटा खाना हुंना मैं उहदे हिसाब नाल दाल सब्जी घिओ को लूण मिर्च हल्दी जो बनता दबा दिओ। संतां ने समान दबाता तो चंगा जो तुरन लग्या कहते ऐ करो नदी आ सामने उस नदी ते पका ली ते खा ली पर एक कम जरूर करी तू साडी अज कादशी की मर्यादा भंग करेगा उत्थे भगवान राम जी नूं बुला के भोग जरूर लवा दी तो फिर तू खा ली। वह कहिंदा ठीक है जी हुण जाके भोजन बनाउण लग गया तैयार कर लिया जदों भोजन बन गया भी चल जिहे जिहा बन गया ठीक है अखां मीच लिया आ जाओ राम जी मेरे गुरु जी ने कहा सी तुसीं भोग ला लो तुहाडे भोग लाए बिना मैं खा नहीं सकदा तो मेरे बनाए का मैनू की आस राहू जदों मैं खा ही नहीं सकदा कृपा करो तुसीं आ जाओ खाओ छेती ते फिर अखां खोलियां फिर अखां खोलियां जब फिर नहीं आए कहिंदा तुसीं आ जाओ हुण मैथों इन्ना चिर झल्लिया नहीं जांदा मेरे सामने भोजन पिया ते मैनूं भुख लगी है मैनूं फिर मजबूरी है मेरी बिना भोग लवाए खाणा तुसीं हुण आ जाओ आपे खा लो संबंधी माड़ा जिहा मूँह ला लो चाहे मैं फिर खा लूँगा मेरे वास्ते प्रसाद बन जू ये कही जांदा ते हुण भगवान देखी जांदे आ भी ये कितें सच्ची ना खाण लग जाए भी इहदी मर्यादा भी इहदे गुरु का वचन टुट जूगा जे मैं ना गया ते भगवान सीता माता नूं लै के नाल आ गए ते जदों ने अखां खोलियां हुण तुसीं ऐ सोचो भी जिहड़े देवते नूं आपां मंनदे आ अपना इष्ट भीर है चाहे गुरु नानक देव जी ने चाहे श्री चंद्र भगवान ने चाहे विष्णु है चाहे दुर्गा माता है कोई भी है जिन्हों आपां मंनदे आ हिरदे चों उहदियां फोटोआं नूं आपां कितना प्रेम करदे आ
ते जे वो साक्षात अपने सामने खड़ा हो जे आके फिर अपनी की दिशा होगी की हाल होगा तो वही हाल ओदा हो गया हुण देख के तो मन मनमोहक हो गया मन नू खिच पैंदी है भी भगवान के दर्शन होए ने तो दूजे पासे गुस्सा आई जांदा कहिंदा सद्या तो मैं कल्ले नू सी आ नाल लैके आ गया इक जणी नू होर तो मैं तो आपदे जोगा रासन लैके आया तो भगवान ने मेरे गुरु ने तो कहती राम जी नू भोग लवा दी एक जणी नू होर नाल लिया आ तो मेरा रासन तो यह खा जाएंगे मैथों कहता मेरे गुरु तो एकादशी तो नहीं रखाई गई कहता ये जरूर रखा के जाएंगे क्यों मेरा समान तो यह खा जाएंगे तो फिर वह बैठा बैठा कहना चंगा महाराज जी तुम आ तो गए हूँ पर तुम किया तो धक्का ही है मेरे नाल भी दो जने आ गए मैं बुलाया एक नूसी कोई ना तुम हूँ बैठो पंगत लाओ भोजन छको जिन्ना कि खा मेरे जोगा छड़ दौ बस थोड़ा जहा भावे छड़ दौ मैं बचन जोगा छड़ दौ जिते हूँ मैं फिर एकादशी हुई उसे ज्यादा लेके आऊँगा तो जदों भगवान ने देखा भी बड़ा निन्न भगत है सीधा साधा भगत है भोग लाया बिचो तो सीता माता नूं भी देता उन्हें भी छक लिया तो जो जान लगे कहना महाराज जी छेती आ जा करो हूँ मैं पता लग गया भी तुम दो जने आने हूँ मैं समान ज़्यादा लेके आऊँगा हानू तुम भी रज के खाओ तो मैं भी रज के खाऊँ पर आ जा करो छेती बाला हाड़ी जना कढ़ाया करो मैनू भुख कटनी बहुत औखी है ये कह के भगवान चले गए तो दूसरे हूँ दस दिन बारह दिन लंघे कालशी तो हर ग्यारहवें दिन बाद पंद्रह दिन बाद आ जाती है तो संतां ने गोडे को फिर बह गए जाके वो कहते भाई हूँ तो तेनों मैं समान दवा दिना उन्होंने कहा वह चेलिया जिदे एकादशी हो गुरु आप ही ले लिया कर जाके दे दया करे हूँ मेरे को आने की लड़ नहीं वो कहना महाराज जी थोड़े को मैं आया भी वो समान थोड़ा सी मेरा राशन बदवाओ कह के थोड़ा जहाँ तो उन्हें ना मेरा सरदा जी तुम तो कहते राम जी भोग लौड़ गए वह एक जने होर लियाई नाल दो जने आ गए खा के गए ने भोग कोई नहीं लग गए हो अद्धिया रोटियां वो खा के मैंने तो थोड़ा ही बचे तो तुम हूँ कृपा करके मेरा राशन बधाओ उन्होंने सोचा भी उत्थे आउंदा तो केड़ा होगा भी यदि भुख नहीं निमृत होई होनी चल दे दौ भाई जिन्ना मंगता कहता जी पांच किलो आटा दवा दौ घट्टो घट कहता ढाई ढाई किलो ना ढाई किलो उन्हों का ढाई किलो मेरा पांच किलो का राशन दवाता संतान ने उसके हिसाब न बाकी लून मिर्च हल्दी दाल जरा कुछ बनया दवाता जाके फिर अखा मीचलियाँ भोजन बना के फिर ला गया सदन आ जाओ राम जी भोग लाओ महाराज आ जा सीता माता जी ना तेनू मैं कहा आता तो नाल ता भी जाना ही है मैं तेनू भी नाल ही साधा तुम दोनों जने आ जाओ छेती आके भोग लवा लो तो राम जी कहड़ा घट कौतकी सी वह आँदे हुए नाल लक्ष्मण जी नू लियाए तो जब उन्हें वेख्या अखा खोलियाँ कहते यार बड़ा जिद्दी बंदा है तू अगे तो तू कहता सी मेरी ये पत्नी है तो बिना मैं आउंदा नहीं अज आ एक जने नू होर लिया नाल तू ये कौन है वह कहता मेरा भरा है ये ये कहना भरा उदे कितने गया से उदे तो लिया नहीं ना मैं दस दिता भी एक जना होर आऊ मैं समान होर ज्यादा लिया अज फिर मेरी अद्धी एकादशी रखा के जाऊंगे तो वह कहने चल कोई ना चंगा कहता हूँ जो आई गए आप चिरका लाने बैठो लाओ पंगत खाओ क्यों प्रेम तो आंदा ही उन्हों का भगवान का किनू ना प्यार प्यार आए तो ला के पंगत भोजन छकाया छक लिया जो लगे जान भगवान उन्होंने कहना मेरी गल सुन लो जाने तो पहला एक मैनू हूँ ऐ दस के जाओ अगली बार कै जाने आऊंगे तुसी तो हर वारी वधदे जांदे हो कहिंदा मैनू पता नहीं लगता मैं समान थोड़ा रह जांदा मेरा मैनू घट वजदा हुण मैनू तुसी दस के जाओ भी अगली बार कितना कै जाने आऊंगे भगवान कहिंदे कोई ना आ जाके करके हथ खड़ा करके लांगे तो अगली बार उन्हूं पता सी भी एक जना तो होर फालतू लैके ही आउणगे इह भगवान उह तां एकादशी वाले दिन फिर संतां कोल जाके बह गया वो कहते हुण तां मैं इहनां नूं कहता भाई भी राशन दुगणा दे दिया करो हुण फिर कहदे वास्ते बह गया कहता वह भी थोड़ा रहन लग गया वो भी नहीं सरता हूँ थोड़ा रहन लग गया होर दबाओ उन्होंने सोचा भी ये हूँ बेचण का लालची हो गया खाधा तो नहीं तो इन्हें जाना दबा दो जिन्ना कहता तो अच पर पिछा करो मगर चलोंगे ये देखांगे भी की कर देने समान का हूँ ले जा समान जिन्ना उन्हें कहा तिगना पवा लिया पवा के दस किलो राशन उत्थे जा वड़िया समान बनाया तो कोई है ना उधर संतां दी पलटन पिछे जाती है नाले संत दूर भी आप निगाह रखांगे अज की करूँ इन्हें समान का यह तो उन्होंने बनाया तो है ना उ अखा मीच के बह गया पहले ही आ जाओ भगवान जी आ जाओ राम जी सीता माता आ जा तू भी लक्ष्मण छोटे भाई तू भी नाल ही आ जा मैनू पता तू आवेगा तो सही मैं नाल ही अच तर तेरे वास्ते भी समान लिया आ जा तू भी और जो अखा खोलियाँ तो रामचंद्र जी ने की किया सीता माता भी लियाए लक्ष्मण जी लियाए भरत शत्रुघ्न जी लियाए हनुमान जी भी नाल ही लियाए तो जदों उन्हें अखा खोलियाँ कहता माँ दया पुत अच तो हद ही करती
ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆ ਬਾਂਦਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਿੰਨ ਭਗਤ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੋਊ ਹਨੂੰਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਾ ਜੂ ਇਹ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਹਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜੂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਲਿਆ ਭੋਗ ਲਵਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਵਾਉਣਾ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਦੀ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਭੰਡਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਕੰਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣੀ ਪਊ ਉੱਧਰ ਭਰਤ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਰਸੋਈ ਬਣਾਵੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਸੀ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਓ ਰਾਮ ਜੀ ਵਰਤਾਉਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਆਏ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖ ਦੇਖ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭੌਂਦੂ ਦਾ ਦਿਲ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਲਾਣਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਛੱਡਣਾ ਜਾ ਇਹ ਮਾਰਨਗੇ ਭੁੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਮਗਰ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਰੋਟੀ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਜੂ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਜੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੋਜੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਰੋਟੀ ਆਪਦੀ ਆਪੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦੂੰ ਜੇ ਜੀ ਬਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਬਣੂ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਲਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾਪਣ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਏ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਤੇ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕਰੀ ਗਏ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਸੂ ਆ ਗਏ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਰੀ ਧੋਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੜਕ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੇਵਕ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ